हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सांभर की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं, सांभर बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है। इवन साउथ इंडिया में ही ये कई अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, तो उन्हीं में से एक तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1/4 कप अरहर दाल यानी कि तुअर दाल, और 1 टेबल स्पून ले रही हूँ धुली हुई मूँग की दाल, बिना छिलकों वाली। छिलके वाली दाल नहीं लेनी है आपको। तो मैंने दालों को अच्छे से वॉश कर लिया था, 1 घंटे इनको भिगो भी दिया, और यहाँ मैंने कुकर में इन्हें ट्रांसफ़र भी कर लिया है। दालें अच्छे से डूब जाएं, इतना मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सांभर मसाला। इस वक्त सांभर मसाला ऐड करने से सांभर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब कुकर लगाकर हम इसमें 3 से 4 सीटियां ले लेंगे। तो लीजिए, दाल हमारी हो चुकी है। अब सांभर के लिए हमें जो सब्जियां बॉईल करनी है, उनमें हमें सबसे पहले चाहिए बैंगन। ये एक मीडियम साइज़ का बैंगन है, जिसे मैंने इस तरह कट कर लिया है छोटे पीसेस में। आप चाहें तो बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं सभी सब्जियों को। इसके अलावा हमें चाहिए 1/2 कप लौकी, 1/4 कप मैंने यहाँ गाजर ली है चॉप्ड। यहाँ मैं बटन अनियन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बटन अनियन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सांभर में। यदि आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, नॉर्मल अनियन को सब्जी में बॉईल करते वक्त मत डालिएगा। यहाँ मैंने लिया है बूरा कद्दू, ये सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट देता है, पर यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी और सब्जियों का आकार आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन सब्जियों के अलावा आप इसमें ड्रमस्टिक यानी कि मूंगा फली और फूल गोभी भी ऐड कर सकते हैं। भिंडी भी ऐड कर सकते हैं, पर भिंडी आपको फ्राई करते वक्त ऐड करनी है, ना कि बॉईल करते वक्त। अब इन सभी सब्जियों को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। हल्दी डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, दोनों ही चीज़ 1/4 टीस्पून है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, इसमें भी हम सांभर मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसमें भी हम 2-3 सीटी लगाकर इसे कुक कर लेंगे। सांभर फ्राई करने के लिए हमें चाहिए मीडियम साइज़ के 2 टमाटर, 10-15 बटन अनियंस। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि आपके पास बटन अनियंस नहीं है तो आप नॉर्मल अनियंस ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ की अनियन को आप चॉप कर लीजिएगा। 3-4 हरी मिर्चें। अब मैं टमाटर और अनियन चॉप कर लूँगी, और कुछ पत्ते मीठी नीम के। तो देखिए, हमारी सब्जी कुक हो चुकी है, दाल भी रेडी है। अब हम सब्जी और दाल को मिक्स कर देंगे और इसे एक साइड रख देंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून इमली ली है, जिसे मैंने 1/2 कप पानी में भिगो दिया है गर्म पानी में। इसके पानी का इस्तेमाल हम करेंगे आगे। अब इसे भी हम एक साइड रख देते हैं। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 1/2 टीस्पून ऑयल, बहुत ही थोड़ा ऑयल लिया है, ये 1/2 टीस्पून से भी कम है। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप ताज़ा किसा हुआ नारियल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना। अब इन्हें हम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे 3-4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये मिक्सचर हमारा भुन चुका है अच्छे से। अब इसे ठंडा होने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने सेम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई, इसे तड़कने देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे हींग, और अब इसमें ऐड कर देंगे हम अनियन, हरी मिर्चें। अब प्याज के हल्का ब्राउन होने तक हम इसे कुक करेंगे। प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी हैं, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, फिर भी यदि आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। नमक डालते वक्त याद रखना है कि हमने सब्जियों में और दाल में भी नमक ऐड किया था। अब टमाटरों के अच्छे से गलने तक हम इसे ढककर कुक करेंगे। थोड़ा टमाटरों को मैश भी कर देंगे हम इस तरह से,
अब इसमें हम ऐड कर देंगे करी लीव्स, साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ नारियल, मेथी दाना और जीरा वाला मिक्सचर। इस मिक्सचर को काफ़ी महीन पीसना है, यदि नहीं पीस पा रहा है तो आप इसमें पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना सकते हैं काफ़ी स्मूथ। और अब इसमें हम 1 टीस्पून सांभर मसाला फिर से ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी दाल और सब्जी का मिक्सचर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें इमली वाला पानी हम ऐड कर देंगे, लगभग 2 टेबलस्पून मैंने इमली का पानी इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा पल्प भी मैंने इसमें डाल दिया है। सांभर की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, सांभर काफ़ी पतला होता है इसलिए मैं इसमें काफ़ी पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने लगभग 1 ग्लास गर्म पानी इसमें ऐड किया है। अब इसे ढककर हम 3-4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। तो लीजिए हमारा सांभर रेडी है एकदम। हमने इस सांभर में बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है इसलिए ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। लास्ट में मैं इसमें थोड़े से मीठी नीम के पत्ते और ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए इसमें ऊपर से भी तड़का दे सकते हैं। सांभर हमारा रेडी है। तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।